तो भाई साहब आज फाइनली मैंने थिएटर में जाके शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी देख ली। एंड यकीन मानो मैंने इस मूवी को बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा, लेकिन इस मूवी ने उससे कई गुना ज़्यादा डिलीवर किया। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाके ये मूवी अपने फैमिली के साथ देखो, क्योंकि ये मूवी एक बहुत शानदार सुपर हीरो मूवी है जो कि एक सुपर हीरो मूवी के पैटर्न को फॉलो करती है, तुम्हें मज़ा दिलाती है एट टाइम्स और कहीं भी बोर फील नहीं कराती। इस मूवी के अंदर एक भी ऐसा सीन तुम्हें नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें बोर करे या फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेच लगे। मूवी 2.5 घंटे की लगभग की है और इस मूवी के एक एक मिनट का पैसा वसूल तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ अपने फैमिली के साथ देखने जाओ। हाँ, मूवी के अंदर एक की सीन जरूर है, अगर तुम वो अवॉइड कर सकते हो तो देख सकते हो। मैंने तो अपने फैमिली के साथ इस मूवी को देखा और काफ़ी एंजॉय भी किया। हाँ, मुझे पता है ट्रेलर और टीवी स्पॉट से इवेंचुअली सारी की सारी मूवी रिवील हो गई है। मैं एग्री करता हूँ हर एक सीन तुमको ट्रेलर और टीवी स्पॉट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मूवी अपना काम करती है, तुम्हें एट टाइम्स सरप्राइज करती है, एट टाइम्स तुम्हें अपने सीट से उठ के सीटी बजाने पे मजबूर कर देती है। हम बात अलग है, हमसे सीटी बजाना नहीं आता। एट टाइम्स इसके जोक्स भी तुम्हें हिट करते हैं एंड पॉप कल्चर से तो एक से एक रेफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। मार्वल, डीसी, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, हर जगह से तुम्हें रेफरेंस देखने को मिलेगा। मेरी मानो तो इस मूवी को तुम फर्स्ट या सेकंड डे यानी कि आज या कल के अंदर देख लो, क्योंकि तभी मेजॉरिटी ऑफ जो फैंस होते हैं, जो नर्ड्स होते हैं, वो देखते हैं और असली मजा इस मूवी को देखने का तभी आएगा। मेरे साथ सिर्फ 10 लोग थे थिएटर के अंदर, जिसमें से 4 लोग तो मेरे साथ थे, मेरी फैमिली वाले, तो मुझे उतना कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि चिल्लाने वाला बस मैं ही था पूरे थिएटर के अंदर। देखो, स्टोरी की बात करूँ तो तुम्हें पता होगा कि भाई इस मूवी के जो विलन्स हैं वो कॉमिक ओरिजिन से नहीं है, मतलब इस मूवी के लिए उनको बेसिकली बनाया गया है अलग से और ये चीज़ मूवी के लिए वर्क भी करती है। स्टोरी के अंदर हमें शज़ाम यानी कि बिली बैट्सन का कैरेक्टर अपने आप को प्रूव करता हुआ दिखता है। फालतू की टीम मीटिंग बुलाने से लेके एक मैच्योर डिसीजन लेके पूरे शहर को बचाने वाला एक सुपर हीरो बनता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और ये भी समझता है कि उसे सुपर हीरो क्यों चुना गया था। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि शज़ाम के कैरेक्टर के लिए ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा रोल ऐड करती है, जहाँ पे शज़ाम समझता है कि वो अपनी टीम का लीडर क्यों है। एंड बिली बैट्सन के अलावा फ्रेडी फ्रीमैन के कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छा आर्क दिया गया है इस मूवी के अंदर। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है, देखो मुझे किसी की एक्टिंग में कमजोरी नहीं लगी। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये तो तुम्हें पता होगा ही कि भाई डीसी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जाना जाता है। अब भले तुमने देख रखा हो कि क्लाइमैक्स बैटल में एक्चुअली में होने क्या वाला है, तुम्हें एक एक सीन देखने को मिल जाएगा कि भाई क्लाइमैक्स में क्या कुछ कैसे होगा, बट फिर भी वो चीज़ जब तुम मूवी के अंदर देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हिट करती है। एंड सिंस उस क्लाइमैक्स सीन से पहले एक इमोशनल सीन भी था तो वो चीज़ तुम्हें और भी ज़्यादा हिट करती है। एंड इमोशनल सीन से ज्यादा है, इस मूवी के अंदर 2 इमोशनल सीन है एंड ये दोनों सीन देखो मूवी के अंदर जान डाल देते हैं। अब शज़ाम नाम सुनते ही सबके दिमाग में ये आता है कि बच्चों के लिए बनाई गई मूवी है, इसमें जोक्स होंगे, लेकिन ये मूवी उस रूल को तोड़ देती है और गलत साबित करती है सबको। और ये 2 सीन्स ऐसे हैं ना जहाँ पे तुम्हें इमोशंस फील हो गए और तुम्हें बुरा भी लगता है कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है मूवी के अंदर। एंड मूवी के एंड में जो एक इमोशनल सीन है ना, उसको देख के तुम हिल जाओगे, क्योंकि तुम सजा मूवी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इतना कुछ बड़ा हो सकता है मूवी के अंदर। एंड हाँ, इसी इमोशनल सीन के चक्कर में एक कैमियो भी होता है जिसको तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तुम टीवी स्पॉट में उस कैमियो को जरूर देख चुके हो, लेकिन जब वो इमोशनल सीन आएगा तो तुम इमोशनल सीन में इतने ज्यादा घुले मिले होगे कि तुम पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे टेक प्लेस करेगा, लेकिन वो टेक प्लेस करता है धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और एक बढ़िया सा पे ऑफ निकलता है। यकीन मानो तुम इस मूवी का क्लाइमैक्स 1% भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तुम्हें शॉक करने ही वाला है इस मूवी का क्लाइमैक्स। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जाके देख लो, मूवी बहुत सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शज़ाम और डीसी के फ्यूचर को लेके बहुत अच्छा खासा रेफरेंस देते हैं। अब इसके बारे में मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पॉइलर से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर अपन बात नहीं कर सकते। मेरी तरफ से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है, तो तुम बिल्कुल भी मिस मत करना इस मूवी को। अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं 100-150 रुपये, जाके सिल्वर पे देखो, बट देखो जाके, मूवी तुम्हें हैरान करेगी। एंड डेविड एफ सैंडबर्ग को भाई मेरा सलाम है, उस बंदे ने जो डेडिकेशन के साथ इस मूवी को बनाया है, कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि शज़ाम की पार्ट 2 ऐसे बनेगी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो डेविड एफ सैंडबर्ग एक्चुअली में जाने जाते हैं अपनी हॉरर मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए, और वो तुम्हें हॉरर वाला टच इस शज़ाम वाली मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही देखने को मिल जाएगा और थ्रू आउट द मूवी कहीं ना कहीं तुम्हें वो हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और क्या होगा जब तुम एक हॉरर वाले डायरेक्टर से एक बच्चे की मूवी डायरेक्ट कराओगे और उसमें भी बहुत सारे जोक्स हैं, और इन तीनों के मिक्सचर से जो मूवी बनेगी ना वो है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। अब हो सकता है कि तुम इतने सारे पॉजिटिव से सुन के बोर हो चुके हो और तुम्हें लग रहा हो कि भाई शायद मूवी भी अच्छी नहीं है, मुझे पैसे मिले डीसी वालों से, एक बार जरा मेरी सब्सक्राइबर चेक करो, मुझे पैसे देगा कोई क्या। एनीवेज, मूवी में सिर्फ पॉजिटिव्स भी नहीं है, कुछ फ्लॉज भी हैं कहीं कहीं, जहाँ पे तुमको फील होने लगेगा कि भाई पीएफएक्स जो है ना वो थोड़ा वीक है। एंड इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है ना इस मूवी की, वो यही है कि इसकी मार्केटिंग टीम इतनी बेकार है। इसकी मार्केटिंग टीम ने तुमको एक एक सीन ऑलरेडी दिखा दिया है मूवी से पहले, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इस सीन के बाद क्या होने वाला है।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम शॉक नहीं होगी मूवी के अंदर। एट टाइम्स तुम शॉक होती रहोगे क्योंकि मूवी को उस तरह से बनाया गया है, और उसके लिए तुम्हें धन्यवाद करना होगा डायरेक्टर का, यानी कि डेविड एफ सैंडबर्ग का। खैर, तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर तुम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।